हाल है? पापा, पापा, मम्मी, वो क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों? रो क्यों रहे हो? पापा, मम्मी मुझे फिर से बंद करके चली गई हैं। क्या? फिर से? हाँ पापा। गॉड, कहाँ गई हैं? कुछ बताया? मंजू आंटी के घर पे। कब तक लौटेंगी, कुछ बताया? नहीं पापा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बेटा घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। मैं कुछ करता हूँ, डोंट वरी। हाँ पापा, प्लीज आप जल्दी आना पापा। मैं अभी कुछ कर रहा हूँ। ओके, बाय। I understand, Raj, but you've got to get out of this. Please. Please, Raj. She thought of me. But how could she do this, Sia? What? How can she donate her husband to this bitch? Pixie, usne sirf khat mein likha hai. Haan, to come on. क्या फर्क पड़ता? मौका तो मिल जाता है ना उसे। पिक्सी, रहने दीजिए, रहने दो बस। शालू, हम तुम्हारे साथ हैं, इसलिए मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन ये अब मनु विराज के पीछे पड़ी रहेगी। यू कांट गो ऑन लाइक दिस। तुम्हें इतना, जब मंजू ने उसे हक दिया है तो हम कुछ और बात करें। तुम्हारी पहली किटी है ना, इसलिए ऐसा कह रही हो। दूसरी किटी तक पूरी ओपिनियन बदल जाएगी। ये कौन आ गया अभी? मैं देखती हूँ। आई एम बबल्स। हाय। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन है जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के आ गया। वेल, मेरा नाम बबल्स है। ओह, व्हाट अ चार्मिंग मैन। रेवा, यू आर अ लकी वुमन। नो वंडर रेवा ने इसे हमसे क्यों छुपा के रखा है अब तक। रेवा, आप तो इंट्रोड्यूस करवा दो। यस डार्लिंग, कम ओवर हियर, प्लीज इंट्रोड्यूस मी टू योर फ्रेंड्स। Yes, darling. Please come here. Guys, Raj, this is Bubbles. Hi. और मैं इनका, you know. Yes, yeah, we know, we know. This is Kuku, Pixie, Vidya, Neelu, Shalu. Hi. Reba हमेशा तुम्हारी बात करती रहती। Of course. She is very possessive about me. Yes. फिर से? पिक्सी फिर से घर बंद करके चले गई, लॉक लगा कर? हाँ, अभी रोहन का फोन आया था। इतना इतना घबरा गया है वो। और मेरी हालत देखो, मैं कुछ कर नहीं सकता, यहाँ पर वहां जा नहीं सकता। सो बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग। मैं खुद परेशान हो गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। एक मुसीबत डलती है तो पिक्सी दूसरी खड़ी कर देती है, और वो किसी तरीके से ठीक होती है तो तीसरी, फिर चौथी। कभी कभी तो मन करता है कि उसका नाम पिक्सी से बदलकर मुसीबत ही रख दो। उससे क्या होगा? अगर उससे तुम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो ये भी करके देख लो। ठीक है पिया, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना, कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। क्यों ना हम लोग उसके किटी के फ्रेंड से बात करके देखे। हाँ, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन क्या होगा उससे, क्या कर लेंगी वो? गौरव, कम से कम वो लोग पिक्सी के ज्यादा करीब हैं। अगर यही बात हम लोग करेंगे तो शायद पिक्सी उसका गलत मतलब निकाल ले, शायद ये सोचे कि हम लोगों की इंटेंशंस क्लियर नहीं है, हम पर शक करे। उसकी तो आदत बन चुकी है वो करने की। चलो एक बार सोच भी लिया कि हम उनसे बात करेंगे, पर क्या वो हमारी बात मानेंगे? वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, अगर हमारे बजाय वो लोग उससे बात करेंगे तो कम से कम पिक्सी उन लोगों की बात सुनेगी तो सही। हाँ गौरव, पियास गॉट अ पॉइंट। वो हमसे ज्यादा उनकी बात सुनेगी और जिद भी नहीं करेगी। मेरे ख्याल से उनकी हेल्प लेनी चाहिए। क्यों? मामला कहीं और कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। हाँ? मतलब रवि, तुम जानते हो कि कई बार उनकी आपस में नहीं बनती, झगड़ पड़ते हैं।
अगर ऐसे में कोई उससे कोई गलत बात करते तो फिर मामला और बिगड़ जाएगा, कोई उससे बात नहीं करेगा, फिर पिक्सी का क्या होगा? हाँ ये तो हो सकता है, लेकिन हमें चांस लेना पड़ेगा ना। अच्छा अच्छा अगर हम सबको इन्वॉल्व नहीं करें और हाँ हम किसी एक से बात कर सकते हैं, उससे जो पिक्सी के ज्यादा करीब हो, उसकी हालत को अच्छी तरह से समझे। पिक्सी के सबसे करीब तो मंजू थी और मंजू तो अब रही नहीं। हाँ हम लोग कुकू की मदद ले सकते हैं, वो भी पिक्सी के बहुत करीब है, शी कैन बी ट्रस्टेड। तो फिर ठीक है कुकू से बात करो। देखो तुम दोनों, देखो गौरव अब ज्यादा सोचो मत, हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि पता नहीं रोहन पर क्या बीत रही होगी। नहीं नहीं रोहन इज अ ब्रेव बॉय, उसे कुछ नहीं होगा, तुम कुकू से बात करो। वेल बबल्स, इट्स बीन नाइस मीटिंग यू, लाइक टू हैव अ ड्रिंक? नो थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी कंफर्टेबल हियर। बबल्स आई एम विद्या, उस दिन फोन पर तुम्हारे साथ मेरी बात हुई थी। यस ऑफ कोर्स विद्या, हाउ आर यू? आई एम गुड। अरे ये सिराज साहब के गजलों की सीडी है। हाँ क्यों? आई लाइक हिज म्यूजिक। ओह रियली? यू लाइक हिज म्यूजिक? हाँ यस ऑफ कोर्स, ही इज क्वाइट अ रेनाउंड सिंगर। मे आई बोरो इट? नहीं मैं सुनकर वापस दे दूंगा। नहीं नहीं ये मंजू की है और इसे कोई नहीं ले सकता। रमाकांत अब तुम्हें यहां नजरबंद रहने की कोई जरूरत नहीं, तुम आजाद हो। वाह महाराज, आप तो मेरे मरने का इंतजाम कर रहे हैं। क्या मतलब? थोड़ा पहले तो सरकारी गवाह बनने का डर था, अब जब से साले उस बंसी को पकड़वाया उसके आदमी तुम मुझे देखते ही बूम। तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा जी, कमाल की बात कर रहे हैं आप, ना मैं मरूंगा तो मैं ही डरूंगा ना, क्या आप डरेंगे मेरी जगह पे? आप नहीं समझ सकते, मैं नहीं जाऊंगा यहां से। हाँ जी आप ही ने वादा किया था पूरी सुरक्षा देने का, दीजिए। हाँ इसलिए तो कह रहा हूं, जब तक सिन्हा गिरफ्तार नहीं हो जाता, खतरा पूरी तरह टल नहीं जाता, तब तक 24 घंटे पुलिस तुम्हारे साथ रहेगी। ना पक्का? पक्का, अब तुम बेफिक्र होकर रहो एंड थैंक्स अगेन। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू किधर को जाए? सोच रमाकांत सोच, ओ देखा जाएगा। जय बाबा बालकनाथ जी की जय। जो कुछ भी मैंने आप लोगों को बताना था बता दिया, थैंक्स थैंक्स फॉर कमिंग, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। वेल गर्ल्स, अगर आप खूबसूरत औरतों को कोई एतराज ना हो तो फिर इस विलेन जैसी शक्ल वाले इंसान के साथ जाना पसंद करें? बबल्स तुम बातें बहुत इंटरेस्टिंग करते हो। यकीन मानिए मैं आपका घर नहीं देखना चाहता, सिर्फ आपको लिफ्ट देना चाहता। और रेवा उसे कौन छोड़ेगा? मैं हूं ना। और फिर रेवा उन औरतों में से नहीं है जो शक्की होती है, रेवा लोगों को बहुत अच्छी तरह से पहचानती है ना रेवा? चलो ठीक है मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। बाय बाय नीलू, बाय बाय रेवा, बाय रेवा, बाय बबल्स, बाय बबल्स। लो पिचत, एक्सक्यूज मी। हेलो क्या हुआ गौरव? कुकु पिक्सी तुम्हारे पास तो नहीं खड़ी है ना? नहीं, तुम्हारा नाम देखकर मैं साइड में आ गई। बोलो क्या बात है? अरे वो फिर से रोहन को लॉक करके चली गई घर में। What? हाँ अभी रोहन का फोन आया था, बहुत घबराया हुआ है वो। Oh my God. So frustrating, मैं यहाँ बैठे बैठे कुछ कर भी नहीं सकता, मैं क्या करूँ मैं?
I understand, but कुकु, I need your help. बोलो मैं क्या कर सकती हूँ? कुकु, तुम जरा पिक्सी के साथ जाओ और देखो रोहन का, I mean क्या किया जा सकता है. What can I say? पता नहीं कब खत्म करेगी फोन हम. अब गौरव प्लीज रिलैक्स, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ. ओके तो सोचती हूँ. ओके और हाँ प्लीज पिक्सी को पता नहीं चलने देना कि मैंने तुम्हें बताया, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी. Just don't give her any hint, okay? कुछ एक मिनट, one second, पिक्सी. हाँ आप पेपर भिजवा दीजिए, मैं आपकी फाइल रेडी कर दूंगी और आपका काम हो जाएगा. थैंक यू सर, बाय. किससे बात कर रही थी? कुछ नहीं, मेरे क्लाइंट का फोन था. तो घर जा रही, मैं घर छोड़ देती हूँ. नहीं, मैं चली जाऊंगी. कम ऑन, बदले में एक कॉफी पिला देना. ओके पहले तो ऐसा कोई प्लान नहीं था यार. अरे वो क्लाइंट का फोन आया ना, वो पेपर्स कलेक्ट करने तेरे घर के पास ही रहता है. तो मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रही? पिक्सी प्लीज, तू बस शक होगी. लेट्स गो, कम ऑन, आई ड्रॉप यू. कम 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 ऑन. तो ये बताओ बाबू, कैसा लगा तुम्हें सबसे मिलके? बहुत अच्छा. अच्छा ये बताओ, तुम आगे तुम दोनों का क्या इरादा है? ऐसे घुमाते रहोगे हमारी फ्रेंड को कि शादी वादी का इरादा है? नहीं नहीं प्लीज. देखिए आपकी सहेली तो हमें कुछ बोलने ही नहीं देती. पता नहीं आगे क्या होगा. मैंने सुना तुम बड़े रोमांटिक हो. रियली? देवा तुमने ये भी बता दिया. वेरी बैड. अच्छा ये बताओ, पहली बार तुम रेवा से कहाँ मिले और तुम्हें देखते ही प्यार हो गया? ऑफ कोर्स, मुझे तो इन्हें देखते ही 100% प्यार हो गया. अब रेवा का आप रेवा से ही पूछे तो बेहतर होगा. क्यों रेवा? नीलू प्लीज, किसी और टॉपिक पे बात करें. ओके वी विल चेंज द टॉपिक. बबल्स मुझे ये बताओ, तुम लोग कहाँ मिले, कैसे मिले? प्लीज टेल मी द डिटेल्स, आई एम डाइंग टू नो. रेवा तुम खुद ही क्यों नहीं बता देती? कम ऑन रेवा, इज दिस सम बिग सीक्रेट और व्हाट? अच्छा ठीक है, मैं ही बता देता हूँ. मैं रेवा से पहली दफा मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना रेवा? चलो जी. कहाँ जा रहे हो? जी वो मैं ये खत कहाँ ले जा रहे थे? मैं सोच रही थी कि ये जिसकी अमानत है उस तक पहुंचा दूं. किसे? सिराज को? जी. क्यों? ये खत मंजू की अमानत है, ये मंजू की चीज है. सिराज का इससे क्या लेना देना है? आप समझते क्यों नहीं है, इनका सिराज तक पहुंचना बहुत जरूरी है. यही तो मैं पूछ रहा हूं कि क्यों जरूरी है. मैं आपको कैसे बताऊं? बताना नहीं चाहती या कुछ बारी? सिराज के बारे में मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूं, अब छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं. आप समझने की कोशिश कीजिए. देखिए ये घर में रहेंगी तो नजरों के सामने आएंगी और उनके साथ कुछ यादें भी, कुछ अच्छी और कुछ. इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं इन्हें लौटा दूं. ठीक है, जैसा ठीक समझो करो. लेडीज कैन आई आस्क यू समथिंग? या श्योर. ऐसा है कि शाम रंगीन है, साथ हसीन है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग किसी पब या किसी डिस्कोटेक में जाएं. नॉट अ बैड आइडिया. है ना? नहीं नहीं मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम याद आ गया है,
मुझे तो घर जाना पड़ेगा। बबल्स सुनो, लड़कियों को घर ड्रॉप करने के आइडिया के साथ साथ पार्टी और पब का आइडिया भी ड्रॉप कर दे प्लीज। As you wish, madam. As you wish. Thank you. There we go. Okay. That was a very interesting ride. Could you help me with this? Yeah, sure. Thanks. That was good, Reva. It was really interesting meeting you. Party kabhi aur. Sure, okay. Sorry, ma'am. Bye. Bye. And enjoy your work. Bye, Bubbles. Bye. Bye. Take care. तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ? तुम्हारा आशिक और क्या? देखो, मेरे साथ ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। तुम्हें क्या लगता है? मैं अकेली हूं और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। सुनो, मैं जानती हूं कि तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो, लेकिन इतना भी जानती हो कि तुम मेरे बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हो। इसीलिए मैं वार्निंग देती हूं तुम्हें, जस्ट गेट लॉस्ट एंड स्टे अवे, अंडरस्टैंड? तुम्हारी सहेलियां क्या कहेंगी कि प्यार किया और छोड़ दिया? इसके पहले कि मैं पुलिस को बताऊं, जस्ट गेट लॉस्ट, अंडरस्टैंड? मामा मैंने एक बार कह दिया ना, मुझे यहाँ नहीं रहना, मतलब नहीं रहना। से बात करो, कहाँ जाना है तुम्हें? हाँ, मुझे जाना है, मुझे पापा के पास जाना है। तुम पापा के पास नहीं जाओगे, you are going to stay and that's clear. क्यों नहीं जाऊंगा मैं पापा के पास? मेरी मर्जी, इसमें प्रॉब्लम क्या है मम्मा? मुझे नहीं रहना, ये पागल खाना है। क्या कहा तुमने? पागल खाना? ढंग से बात करो, मैं थप्पड़ मारूंगी, खींच हाँ, मम्मा ये पागल खाना है, मुझे नहीं रहना, मैंने कह दिया ना मम्मा, you are going crazy. I'm going crazy? ढंग से बात करो, मैं एक और थप्पड़ मारूंगी, खींच के तुम्हें। मम्मा मैंने कह दिया ना मुझे नहीं रहना, मतलब नहीं रहना है। रोहन, don't irritate me for the last time. नहीं दूंगा। तो राज आ रहा है फिर। दिमाग खराब करके रखा हुआ है। पता नहीं क्या समझते अपने आप को। मेरी गलती है, सर पे चढ़ाया हुआ मैंने इसे। रोहन खाना लगा दिया, आके खाना खा लो, चलो। रोहन खाना खा लो, आके लगा दिया है। फालतू में एटीट्यूड दिखाता रहेगा। रोहन देखो, मैं तुम्हारे नखरे नहीं झेलने वाली, चुपचाप आ जाओ इधर। रोहन, 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 बेबी ओपन द डोनर स्वीटी। हनी प्लीज, बच्चे मेरे, बाबा दरवाजा खोल ना। मैं नहीं खोलूंगा, नहीं खोलूंगा, नहीं खोलूंगा। Well, I'm sorry, मम्मा से गलती होगी, गुस्सा आ गया है, but you know mama loves you ना, जान, open the door. मम्मा मैंने एक बार कहा ना, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, मतलब नहीं खोलूंगा। अब पापा को फोन करके यहाँ बुलाइए, वरना वरना हेलो खन्ना साहब, मैं मनोविराज बोल रहा हूँ, मनोविराज सक्सेना, पहचाना मुझे? अरे तुम कोई भूलने वाली चीज हो, है? क्या हाल है? मैं ठीक हूँ यार, तुम तो बड़े आदमी हो गए, हैं? यारों को भूल गए? नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा नहीं हुआ कि अखबार में मेरी भी फोटो छपे। अरे यार, वो मेरी वजह से नहीं, सिराज की वजह से छपी है। और वैसे भी इतने बड़े कलाकार को साइन करने का कुछ तो फायदा उठाना चाहिए था ना। मैं सिराज से मिलना चाहता हूँ। क्या, कब मिला सकते हैं आप? अरे जब बोल,
अच्छा एक काम करते हैं, हम लोग डिनर पे मिलते हैं। वैसे भी जाम से जाम टकराए बहुत दिन हो गए। ऊपर से गजल सिंगर का साथ हो तो क्या बात है, शाम और भी रंगीन हो जाएगी। हाँ लेकिन जल्दी मिलना चाहूंगा। अरे तू फोन तो रख, मैं फिक्स करके तुझे अभी इन्फॉर्म करता हूँ। थैंक यू।